मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो। मैं हूं शिल्पी। शहीद भगत सिंह के जयंती के अवसर पर हमने आपसे वादा किया था कि पूरे सप्ताह उनके लेखों और उनसे संबंधित अन्य सामग्री ऑडियो फॉर्म में आप तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में आज सातवें दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं उनका लेख विद्यार्थी और राजनीति। यह लेख जुलाई 1928 में कीर्ति में छपा था। उन दिनों भी अनेक नेता विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा ना लेने की सलाहें देते थे, जिनके जवाब में यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि आज भी लोग आम तौर पर यही कहते हुए पाए जाते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आप सभी श्रोताओं से यह अनुरोध है कि आप स्वयं तो इसे सुने ही, साथ ही अन्य लोगों को भी सुनाएं, ताकि लोग एक बेहतर राजनीति, उसके महत्व और उसमें भागीदारी की जरूरत को समझ सके। यह लेख संपादकीय विचारों में छपा था और संभवतः भगत सिंह का लिखा हुआ है। इस लेख को हमने नौजवान भारत सभा की वेबसाइट से साभार लिया है और इसे अनुराग अनंत ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया है। आइए सुनते हैं यह लेख। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारा दुर्भाग्य ही है कि लोगों की ओर से चुना हुआ शिक्षा मंत्री स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ, पॉलिटिकली बैकवर्ड कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम किए हैं? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली हैं? फिर क्या कारण है कि हम इस मैदान में सबसे पीछे हैं? इसका कारण स्पष्ट है। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण ये है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है, फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं होता। जब वो पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही लोग आगे पढ़ पाते हैं, लेकिन वो भी ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर अपने हाथों में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इसे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है। एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन की किताब पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, ये कौन सी पुस्तक है और ये तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस पड़ा और फिर उसने कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी। कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा, तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता,
अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वो नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वो पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के ही मैदान में गिनी जाएगी, तो फिर ये भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज, तो फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ। क्या विद्यार्थी को पैदा होते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दें। लेकिन क्या वृद्धों से ऐसे आदमी निकल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी की झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? ये तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हों, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान ये तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी की ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया हो। इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों को कॉलेज छोड़ करके जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारडोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मूर्ख हैं? देखते हैं कि उनकी तुलना में पंजाब का विश्वविद्यालय कितने योग्य आदमी पैदा करता है। सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान का नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएगा? वो पढ़ें, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों को इसी महान लक्ष्य के लिए उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई और उपाय नहीं नजर आता। श्रोताओं, आप सहकार रेडियो पर सुन रहे थे शहीद भगत सिंह का लेख विद्यार्थी और राजनीति, जिसे अनुराग अनंत ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। आपको बता दें कि सहकार रेडियो की ये कोशिश है कि ऐसे प्रगतिशील लेख, गीत, कहानियाँ और अन्य सामग्रियाँ ऑडियो फॉर्म में आम जनता तक पहुँचाए, लेकिन ये काम आपके सहयोग के बिना अधूरा है। आप भी इन सामग्रियों को व्हाट्सएप, ब्लूटूथ आदि के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। तो जल्द ही अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए अनुमति मुझे यानी शिल्पी को। नमस्कार।